हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर हमने सिक्स क्वेश्चन तक कर लिए थे सिक्स के बाद सेवंथ क्वेश्चन आता है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन इसलिए मैंने पहले सोल्व कर दिया अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा देखो शो डेट डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर आर वैक्टर बाई आर ये दोनों स्केलर हैं आपके पास आर वैक्टर आपके पास वैक्टर क्वान्टिटी इसको प्रूव करना है वन बाई आर स्क्वेयर डी बाई डी आर आर स्क्र एफ ऑफ आर देखो लेट आर वैक्टर तो हमने मान लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के तो आर वैक्टर का मैग्नीट्यूड आर माना तो वो किसके ही आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्यर अब देखो हमें चाहिए क्या एफ आर आर वैक्टर अपोन आर चाहिए तो पहले एफ आर की आर वैक्टर के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा एफ आर देखो एक स्केलर क्वान्टिटी है बाहर रह जाएगी और एक्स आर वैक्टर हमने लिख लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस कितना जेड ऑफ के अब अपोन आर और करना है तो अपोन आर स्केलर है तो एफ आर बाई आर ये एजट इज रह जाएगा अब इसका डाइवर्जेंस निकालना है डेट इज डेल डॉट आपको निकालना है एफ आर आर वैक्टर बाई आर तो किसके इक्वल आ गए करली बाय करली एक्स एक्स का कोफिशियंट करली बाय करली बाय वाई का कोपिशेंट करली बाय करली जेड जेड का कोफिशियंट तो यहाँ से निकालो जब हम करेंगे तो डेल डॉट दिस तो देखो डेल की वैल्यू तो करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाई करली वाई जे प्लस करली बाई करली जेड के तो करली बाई करली एक्स जब हम आई का कूपशेंड करेंगे तो आई का कॉप्शेंड क्या है एफ आर बाई आर इंटू एक्स तो एक्स एफ आर बाई एफ आर प्लस जे का कूप्शेंड क्या आएगा वाई इंटू एफ आर बाई आर तो करली बाई करली बाई जे का कोफिशियंट करली बाय ली जेड जेड का कोफिशियंट अब हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं पहले कि इसकी वैल्यू क्या आएगी सिमिलरली इन दोनों की वैल्यू फिर हम पुट कर देंगे एक्स की जगह वाई रखते हुए और जेड रखते हुए तो करली बाय करली एक्स एक्स एफ आर बाय आर क्या होगा देखो एफ आर के अंदर भी एक्स वाई जेड है और आर के अंदर भी एक्स वाई जेड है और यहाँ पर भी एक्स है तो यू इन टू वी से होगा तो हम पहले क्या करते हैं एक्स एज इट इज करली बाई करली एक्स एफ आर बाई आर प्लस अब की बार एफ आर बाई आर एज इट इज और करली एक्स वाई कितना हो जाएगा करली एक्स जो कि बन जाएगा कितना आपका वन अब यहाँ पे आओ एफ आर बाई आर तो ये वन बाई आर इंटू एफ आर ये भी यू इन वी से कर सकते हो तो वन बाई आर एज इट इज एफ आर का हो जाएगा एफ डैस आर और आर का हो जाएगा करली आर बाय करली एक्स पहले फंक्शन का फिर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसका माइनस अब की बार वन बाई आर का करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ वन बाई आर स्क्वेयर करली आर बाय आर का करेंगे करली आर बाय करली एक्स एफ आर हो जाएगा क्या इट इज प्लस ये आपका एच रहेगा एफ आर बाई आर नेक्स्ट देखिए यहाँ से क्या आया ये बन गया एक्स बाई आर एफ डैस आर करली आर बाय करली एक्स हम बहुत बार निकाल चुके हैं क्योंकि आर स्क्यर की वैल्यू आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर तो यहाँ से जब हम करली आर बाय कर्ली एक्स निकालेंगे तो टू आर करली आर बाय करली एक्स किसके इक्वल आ जाएगा टू ऑफ एक्स के इक्वल तो यहाँ से एक्स बाई आर हो जाएगा क्या आपके पास करली आर बाय करली एक्स तो एक्स बाई आर तो यहाँ से करली आर बाय करली एक्स फिर से एक्स बाई आर वैल्यू पुट कर दी प्लस एफ आर बाई आर क्या रहेगा एच डीज रहेगा तो यहाँ से आ गया देखो एक्स स्क्र बाई आर स्क्र एफडेस आर माइनस एक्स स्क्र बाई आर क्यूब एफ आर प्लस एफ आर बाई आर इक्वेशन नंबर वन मान ली सिमिलरली हम वाई वाली निकालेंगे तो एक्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने वाई पुट कर दिया इसको मान लिया इक्वेशन नंबर टू सिमिलरली जेड वाली निकालेंगे तो एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया जेड पुट कर दिया ये आ गई इक्वेशन नंबर आपकी थ्री अब तीनों की वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है डाइवर्जेंस वाले में पुट करनी है तो तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी कहाँ इसके अंदर तो पहले की वैल्यू निकाल ली दूसरे की पुट कर दी तीनों तीनों का कर दिया सम सम करते ही क्या आ जाएगा आपका डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर बाई आर आर वैक्टर किसके इक्वल आ गया देखो जब हम सम करेंगे तीनों का तो यहाँ से एफ डैस आर और अपोन आर स्क्र कॉमन रहा है तो हमने क्या किया जो अंदर चीजें बची वो लिख ली एक्स स्क्यर प्लस वाई स्क्यर प्लस जेड स्क्र पहली वाली टर्म पे आओ एक्स स्क्यर प्लस वाई स्क्केयर प्लस जेड स्क्यर एफ डैस आर तीनों से कॉमन आ गया अपॉन कितना आर स्क्र और ये किसके इक्वल होता है आर स्क्र तो आर स्क्यर से आर स्क्यर कैंसिल आउट माइनस अब दूसरी वाली पे आ जाओ यहाँ से एक्स स्क्र वाई जेड अंदर आ जाएगा अपॉन आर क्यूब एफ आर उसके बाद प्लस एफ आर बाई आर तीन बार जुड़ेगा तो थ्री एफ आर बाई आर तो ये कितना बन गया ये एफ डैस आर यहाँ से आर स्क्र बाई आर क्यूब वन बाई आर बचेगा वन बाई आर एफ आर प्लस थ्री एफ आर बाई आर तो ये एक आर और ये तीन घटके कितने बन जाएंगे टू बाई आर एफ आर और इसको लिख सकते हो डी बाई डी आर एफ आर तो आपके पास क्या बनाइए वन बाई आर स्क्वेयर अब इसका देखो हमने क्या किया आर स्क्वेयर से डिवाइड किया आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपके पास वन बाई आर बाहर आर स्क्यर डी बाई डी आर एफ आर क्योंकि ये टोटल डेरिवेटिव बनाना है इसलिए प्लस अब देखो आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ऊपर बचेगा एक आर नीचे से आर से कैंसिल आउट तो हो जाएगा टू आर एफ आर ये क्या बन गया ये टोटल डेरिवेटिव बन गया किसका आर स्क्र इंटू एफ आर का तो ये बन गया वन बाई आर स्क्वेयर डी बाई डी आर आर स्क्र इंटू एफ आर ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया इसके बाद एट्थ बिल्कुल इसी तरीके से करना है बिल्कुल सिंपल दिया हुआ कर लोगे आप कैलकुलेशन नेक्स्ट देखो नाइन्थ शो डेट अब हमें दिखाना है डेल डोट डेल फाई इक्वल टू डेल स्क्र फाई वेर डेल स्केयर की वैल्यू दी हुई है करली स्केयर बाय करली एक्स स्केयर प्लस कर्ली स्केयर बाय करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर बाय करली जेड स्केर अगर ये ना भी दी होती तब भी निकाल सकते हो आप डेल डोट डेल तो क्या आ जाएगा देखो यहाँ से हमने पहले निकालना है डेल फाई डेल फाई की वैल्यू क्या होती है करली फाई बाय करली एक्स आई ग्रेडिएंट ओ फाइव प्लस करली फाइव बाय करली प्लस करली फाइव बाय करली जेड के अब उसका डेल के साथ क्या कर देना डोट प्रोडक्ट कर देना मतलब आपको डाइवर्जेंस निकाल देना तो कितना आ जाएगा अब डाइवर्जेंस क्या होता है करली एक्स आई का कोप्सियंट करली बाय करली वाई जे काप्शियट प्लस करली बाय करली जेड के का कोफिशियंट तो ये बन गया करली स्क्र फाइव बाय करली एक्स स्क्र करली स्क्र फाइव बाय करली ली वाई स्वकेर कर्ली स्क्र फाई बाय करली ली जेड स्केयर तो फाइव कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच गया करली स्क्यर बाय करली एक्स स्क्र प्लस करली स्क्र बाय करली ली वाई स्क्यर प्लस करली स्केयर बाय करली जेड स्केयर तो यहां से आपके पास आ गया ये प्लस करली स्क्र बाय करली ली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर बाय करली जेड स्केयर और फाइव रख लिया हमने बाहर इसकी वैल्यू क्या दे रखी है डेल स्केयर तो ये आ गया डेल स्केयर फाइव के इक्वल टेंथ देखिए एफ फैक्टर आपके पास दिया हुआ है आपको डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है तो देखिए यहाँ से एफ फैक्टर जब दिया हुआ है तो डेल्डोट एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास डेलडोट एफ आ जाएगा आपके पास करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली बाय जे प्लस करली बाय करली जेड कितना के डोट प्रोडक्ट एफ के साथ तो एफ एक्टर लिख दिया हमने यहाँ पे वाई जे प्लस जेड के अंडरूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर प्लस कितना जेड स्क्यर तो कितना आ गया ये करली बाय करली एक्स इन टू एक्स के साथ करेंगे तो एक्स वाई आई का कोप्शेंट कितना हो गया अंडरूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर प्लस जेड स्क्यर सिमिलरली करली बाय करली वाई वाई अपोन आ जाएगा अंडरूट एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस जेड स्क्र सिमिलरली करली बाय करली जेड जेड अपोन आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस जेड स्क्वेयर तो यहाँ से करेंगे देखो करली बाय करली एक्स दिस निकालेंगे तो यू अपोन वी से करेंगे तो यू अपोन वी से करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा इसका स्क्यर कर लेते हैं नीचे वाले का एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्र का स्क्यर ये इट इज़ आपके पास एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर एक्स का हो गया वन माइनस अब की बार एक्स इट इज़ टू रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्यर प्लस जेड स्क्वेयर कितना आ जाएगा आपके पास ही इसका डायरेक्टिव करेंगे तो वन बाई टू रूट एक्स स्क्यर प्लस वाई स्क्यर प्लस जेड स्क्र इन टू आ जाएगा कितना आपके पास टू एक्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्यर प्लस जेड स्क्यर बाई एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस जेड की पावर थ्री बाई टू सिमिलरली जब हम इस वाले को खोलेंगे तो आपके पास आ गया जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्र बाई एक्स स्क्यर प्लस वाई स्क्यर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर थ्री बाई टू और इसमें आ जाएगा जो जेड वाला होगा इसमें एक्स और वाई आ जाएंगे ऊपर तो और नीचे रहेगा सेम तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा आपके पास ये हो गया देखो एक्सक्वेयर प्लस जेड स्क्यर जेड स्क्यर प्लस एक्स स्क्र दो दो बार आ गए तो ये क्या हो गया टू टाइम्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस जेड स्क्र वो नीचे से काट देगा तो आप ओन कितना बचेगा सिर्फ एक्स स्क्र प्लस वाई प्लस जेड स्क्र यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया तो ये आपकी थ्री पॉइंट फोर एक्सरसाइज कंप्लीट है इसके बाद थ्री पॉइंट फाइव स्टार्ट करते हैं इसके बाद आती है आपकी कर्ल ऑफ ए वैक्टर पॉइंट फंक्शन तो कर्ल ऑफ ए वैक्टर पॉइंट फंक्शन क्या होता है बच्चों आपका देखो एफ आपके पास कोई भी वैक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है कोई भी डिफ्रेंशियबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है देन कर्ल ऑफ एफ को आप डिनोट करोगे या तो कर्ल ऑफ एफ से या क्या करोगे डेल अब की पहले तो हमने जो डाइवर्जेंस वाले में किया था वहाँ डोट प्रोडक्ट की थी अब की बार क्या आ जाएगी इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ये डिफाइन ऐसे होगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास डेल की वैल्यू होती है करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली बाई जे प्लस करली बाय करली जेड कितना के और क्रॉस हो जाएगी किसके साथ एफ़ के साथ, F के साथ. तो अब देखो करली बाय करली एक्स जो दिया हुआ है ये तो जो एफ़ होगा ये कहाँ आ जाएगा आपके पास इसको लिख सकते हो आई क्रोस करली एफ बाय करली एक्स प्लस जे क्रोस करली एफ बाय करली बाई प्लस के क्रोस करली एफ बाय करली जेड या तो आप इस तरीके से करो या डेल क्रोस एफ़ आप लिख के एफ जो भी दिया होगा उस तरीके से भी कर सकते हो बस इसमें डेफिनेशन डेफिनेशन है कि आपको डेल क्रोस एफ निकालना है उसके बाद एक छोटा सा और आता है जैसे वहां पे था कि कोई भी वेक्टर सोलेनोइडियल कहलाएगा यदि उसका डाइवर्जेंस जीरो होगा तो यहां पे बोलेंगे ए वेक्टर एफ इज कॉल्ड एन इज रोटेशनल वेक्टर इ रोटेशनल वैक्टर यदि इसका कर्ल जीरो हो जाएगा मतलब डेल क्रॉस एफ क्या आ जाए आपके पास जीरो और ये वैक्टर क्वान्टिटी है तो ये क्या आएगा आपके पास जीरो वैक्टर आएगा तो ये आपके पास एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बाकी आपके पास एग्जाम्पल दे रखे हैं कोई इसमें थोरम वगैरह बीच के अंदर नहीं है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि एफ वैक्टर आपके पास दिया हुआ है एक्सकेयर वाई आई प्लस एक्स जेड जे प्लस टू वाई जेड के और आपको निकालना है फाइंड कर लो एफ तो क्या करना है आपको डेल क्रॉस एफ फाइंड करना है और डेल क्रॉस एफ कैसे निकालेंगे हम सिंपल इस तरीके से निकाल लेते हैं आई जे के करते हुए डेल की वैल्यू करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई और करली बाय करली कितना जेड एफ़ का कोपेशंट आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई और ये y तो का कॉप्शेंट एक्स जेड और k का कॉप्शंट आ गया टू वाई जेड तो यहाँ पे आई जे के कॉप्शेंट लिख लिया हमने अब करते हैं आई बाहर कितना आ जाएगा करली बाय करली एक्स एक्स जेड माइनस करली बाय करली बाई कितना एक्स स्क्र वाई प्लस जे да करली बाय करली जेड एक्स स्क्र वाई माइनस करली बाय क्या आ जाएगा करली एक्स टू वाई z प्लस k वेक्टर k वेक्टर करेंगे तो आ गया करली बाय करली x x z माइनस करली बाय करली वाई कितना आ जाएगा x स्क्वायर y इसको सोल्व कर लो सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ गया ये यह? यहाँ से करेंगे तो ये आ गया i तो बाहर रखो ये आ गया z माइनस यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस ये j वेक्टर यहाँ से आ गया आपके पास कितना ये तो जीरो हो गया और यहाँ से बनेगा ये भी ज़ीरो हो गया तो ये तो ख़त्म ही हो गया यहाँ पे आएंगे तो ये ये बन गया सिर्फ आपके पास के वेक्टर जे तो ज़ीरो बन गया तो के वेक्टर में जेड और यहाँ से करेंगे तो आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वेयर तो ये आ गया आपका क्या आंसर एक मिनट देखना इसमें कुछ मिस्टेक कर दी हमने ये आएगा करली बाय करली वाई आई का करेंगे ना तो करली बाय करली वाई टू वाई जेड आएगा ये गलती से लिख दिया यहाँ पे ये आ गया टू वाई जेड और यहाँ से करली बाय करली जेड आएगा करली बाय करली जेड आएगा कितना एक्स जेड बस यही था एक इसमें तो ये आ जाएगा आपके पास कितना टू जेड और माइनस यहाँ से एक्स जेड है तो कितना आ जाएगा एक्स बाकी ठीक है एक मिस्टेक हो गई थी ये ठीक कर लेना तो इस तरीके से कर लो फेफ निकालोगे आप और आपके पास इसके अंदर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए जितने हो सकते हैं आपसे आप करोगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के तीन पार्ट आप निकाल सकते हो बिल्कुल इजी हैं ये क्वेश्चन भी निकाल सकते हो आपके पास बिल्कुल इजी दिया हुआ है अब की बार आपको एफ़ डॉट कर लो F एफ जीरो दिखाना है ये भी निकाल सकते हो तो आपको करना है कहाँ तक आप फोर या फ़ाइव क्वेश्चन तक निकालिए इसके आगे फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल